हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केक बनाने की रेसिपी। आज मैं आपके लिए बस 5 मिनट में बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट एकदम बाजार के जैसा केक बनाकर तैयार करूँगी। और इस केक की खासियत ये है कि इसे बनाने के लिए हमें ना तो ओवन की आवश्यकता होगी और ना ही प्रेशर कुकर की। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं इस केक को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होगी। केक बनाने के लिए हमें चाहिए 12 से 15 ब्रेड स्लाइस, व्हिप्ड क्रीम, हाफ कप मिल्क, 2 टेबलस्पून शुगर। सबसे पहले हम ब्रेड को ले लेंगे और इनके ब्राउन कॉर्नर को काट कर अलग कर देंगे। तो इस तरीके से आप सभी ब्रेड के ब्राउन कॉर्नर को अलग कर लें। मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्रेड यूज़ किए हैं। आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप अपने डिश के अनुसार ले सकते हैं। अभी मैंने सभी ब्रेड के ब्राउन कॉर्नर को काट कर अलग कर दिया है। और ये जो बचे हुए पीसेस हैं आप इनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, उसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी मैंने इन सभी ब्रेड को इस तरीके से काट करके अलग रख लिया है। अभी हम ले लेंगे ये मिल्क एंड इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक ये शुगर अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। शुगर को अच्छे से डिसॉल्व कर लिया है मैंने। अभी हम इस तरीके से एक बॉक्स ले लेंगे, साथ ही लेंगे ब्रेड स्लाइस, व्हिप्ड क्रीम एंड मिल्क का मिक्सचर। तो सबसे पहले हम इस व्हिप्ड क्रीम को इस बॉक्स पर इस तरीके से लगा देंगे। मैं इस केक को इस बॉक्स पर बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी भी एक बड़ी प्लेट में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अभी हम इस तरीके से ब्रेड स्लाइसेस को इसके ऊपर लगा देंगे। मैंने नीचे व्हिप्ड क्रीम को इसलिए लगाया है ताकि ये जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। अभी हम इस पर मिल्क के मिक्सचर को लगा देंगे। मैंने यहाँ पर मिल्क का मिक्सचर बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इसकी जगह शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम को लगा दें इस तरीके से। व्हिप्ड क्रीम का अमाउंट आप पर डिपेंड करता है, आप इसे कितना लगाना चाहते हैं। व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से लगाने के बाद एक बार फिर से ब्रेड स्लाइसेस को इसके ऊपर लगा देंगे। मैंने यहाँ पर ये जो व्हिप्ड क्रीम है वो मार्केट से ली है। आप चाहें तो इसे घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका वीडियो मैं आपको बनाकर दिखा सकती हूँ। एक बार फिर से इसी व्हिप्ड क्रीम को लगा देंगे। इस प्रोसेस को हमें 3 से 4 बार रिपीट करना है। आप चाहें तो इस केक को ट्रिपल लेयर अदरवाइज 4 लेयर में जैसा भी आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। इस तरीके से ये जो केक है बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होता है और यकीन मानिए इसका टेस्ट एकदम बाजार के केक जैसा होता है। और साथ ही इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। बहुत ही कम समय में ये केक घर पर ही बनकर रेडी हो जाता है। इसी तरीके से फिर से व्हिप्ड क्रीम को लगा दें। व्हिप्ड क्रीम का अमाउंट आप पर डिपेंड करता है, आपको जितनी भी व्हिप्ड क्रीम लगानी है आप उतनी लगा सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से व्हिप्ड क्रीम को लगा दें सभी साइडों से। तो अभी मैंने इस केक पर व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से सेट कर लिया है। अभी मैंने ली है एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट जिसे मैं इसके ऊपर इस तरीके से ग्रेट कर दूंगी जिससे इस केक को देखने में एक अच्छा लुक मिलेगा। तो अभी हमारा ये जो केक है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसके ऊपर डेयरी मिल्क की चॉकलेट यूज़ की है। आप चाहें तो इसकी जगह डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस केक को कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लग रहा है ना एकदम बाजार के जैसा केक, कितनी आसानी से कट कर तैयार हो चुका है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सॉफ्ट एंड फ्लफी केक रेडी है। तो अगर आपको ये केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। मैं इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।